दोस्तों आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, 6 मीटर को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में। अब हमारा है 6 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर में 100 होगा तो 6 में क्या होगा, 6 इंटू 100 होगा। हमें इंटू, अगर 1 का दिया हो बहुत सारों को निकालना तो हमें इंटू करना पड़ता है, ठीक है। एक का हमें पता लग गए, अब 6 का निकाल दो, 6 इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ 29 मीटर है, तो पहले तो 29 मीटर 42 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सेंटीमीटर भी निकालना है, लेकिन 29 को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 29 इक्वल टू कितना होगा, 29 मीटर इक्वल टू क्या होता, तो हमें फिर पता है 1 इक्वल टू कितना होता, 100 होता। अब 29 इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 29, और प्लस ये ऑलरेडी ये तो सेंटीमीटर हो गए ना, तो ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको प्लस कर दो, कितना 42, तो 2, 4 और 2, 9, कितना हो रहा, 2, 9, 42 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इसलिए प्लस किया कि ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी, और 29 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब 39, अब 1 में हमें पता है 100 है, तो 39 में कितना होगा, 39 इंटू 100 होगा, 3900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3900 सेंटीमीटर। अब सेम कंडीशन यहाँ आ गया 24, अब हमें मालूम है कि 1 में 100 है, तो 24 में कितना हो जाएगा, 24 इंटू 100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब इसमें कितना प्लस करना, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो इसको प्लस कर दो 22 को, 2 का 2 और 4 और 2, तो कितना आ जाएगा, 2, 4, 2, 2। सेम यहाँ हो जाएगा, 5 इंटू 100 हो जाएगा, 1 में 100 तो 5 में 500, और प्लस 38, ठीक है, प्लस कितना होगा, 38, 3, 5, तो कितना होगा, 538, ठीक है। तो इस ढंग से हमको कर सकते हैं, हमें याद क्या रखना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। और आप 6 का निकाल दो इंटू 6 कर दो, इंटू 10 का निकाल इंटू 10 कर दो, ठीक है। तो थैंक यू।